everyone, I am Balveer Singh from SBM. So today I am going to discuss modern approach of accounting. So in the previous chapter we have discussed traditional approach जिसको कि हम golden rules of accounting भी कहते हैं, but in this video we will discuss modern approach of accounting. So we will start with rules of modern approach. तो इसमें क्या है, जो बेसिकली जो हमारे अकाउंट्स हैं, जो हमारे आइटम्स हैं, उसको हम क्लासिफाई करते हैं. देखो इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिकली देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको कि हम शॉर्ट में क्लियर भी कह सकते हैं. क्लियर लाइक सी स्टैंड फॉर कैपिटल, एल स्टैंड फॉर लाइबिलिटी, ई स्टैंड फॉर एक्सपेंस, ए स्टैंड फॉर एसेट्स एंड आर स्टैंड फॉर रेवेन्यू एंड इन सेकंड अकाउंट्स टू बी डेबिटेड. Then third heading is accounts to be credited. So now we will explain it one by one. First one is capital account. So capital accounts के इसमें rules होते हैं. अगर हमारी capital increase होती है तो उसको हम credit करेंगे, अगर हमारी capital decrease होगी तो उसको हम debit करेंगे. And second one is liability. Liability account के जो rules होते हैं, इसमें अगर firm की liability increase होगी तो उसको हम credit करेंगे, अगर liability decrease होगी तो उसको हम debit करेंगे. Then third one is expenses count. So expenses count, अगर firm के expenses increase होंगे तो उसको हम debit करेंगे, अगर expenses decrease होंगे तो उसको हम करेंगे credit. Then fourth is asset account. तो अगर फर्म के एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर एसेट्स डिक्रीज होंगे तो उसको हम करेंगे क्रेडिट. एंड लास्ट वन इज रेवेन्यू और इनकम अकाउंट. तो अगर फर्म की इनकम इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, एंड अगर फर्म की इनकम डिक्रीज होगी तो उसको हम डेबिट करेंगे. सो एंड फाइनली वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स. So first example is Dinesh started business with cash rupees 5 lakh. Okay, in this case, so first aspect is Dinesh and second aspect is cash. Okay, तो अब rules क्या थे? एक तो इसमें aspect है Dinesh. Dinesh क्या है? Capital. जब हमारी capital increase होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? Credit. Okay, that's why कि हमने capital को किया इसमें credit. And cash. कैश क्या है? हमारा एसेट. जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट. दैट्स व्हाई कि हमारी जर्नल एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. एंड सेकंड एग्जांपल इज बोरोड फ्रॉम नरेश रुपीस 1 लाख. सो नरेश एंड बोरोड, जो हमने नरेश से अमाउंट बोरो किया, दैट मीन्स वो हमारे लिए क्या है? एक लाइबिलिटी. जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे. ओके, दैट्स वाई कि हमारी एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम नरेश. एंड थर्ड एग्जांपल इज परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम राम. जहां पर राम ने मेंशन है, दैट मींस कि जो हमारा जो फर्नीचर है, ये क्या किया हमने? ऑन क्रेडिट परचेस किया. ऑन क्रेडिट तो हमारी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम. दैट मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू credit the giver. Or then last one, purchased goods for cash rupees 10,000. So purchase क्या है? हमारा expense and cash is asset. So increase in expenses count debit to decrease in asset count credit. That's why कि हमारी entry क्या है इसमें? Purchases count debit to cash account. So I hope कि आप को ये टॉपिक क्लियर होगा. थैंक यू.